ये साल 2015 के मई की एक रात थी। तकरीबन 11 बजे रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुलत अपना डिनर करने के लिए बैठे थे और तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है। आईबी और रॉ में ठीक ठाक वक्त बिता चुके अमरजीत रात के इन फ़ोन कॉल्स के आशय समझते थे। उन्होंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया रहे असद दुर्रानी। उनकी आवाज़ में एक बेचैनी थी। दुलत ने कहा, आप सो जाइए, हम कुछ करते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से 6-7 फोन कॉल्स आए। अंत में दुलत ने कहा कि हमारे लड़के काम पर लगे हैं, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आप अल्लाह में यकीन करते हैं और मेरा भी पूरा यकीन वाहेगुरु में है, सब कुछ ठीक ठाक होगा। आखिर आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी को रॉ के एक पूर्व अधिकारी से ऐसा क्या काम पड़ गया था कि फोन पर फोन घुमाने लगे, आज बताएंगे यही किस्सा। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। इसी कड़ी में आज की किताब है रॉ आईएसआई और शांति का भ्रम, एक जासूसी वृतांत। इसका अंग्रेजी टाइटल था द स्पाइक क्रॉनिकल्स। इस किताब को लिखने वाले तीन झामफाड़ लोग हैं, एएस दुलत जो भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रह चुके हैं, दूसरे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 90 के दशक में चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी रिटायर्ड, और तीसरे हैं पत्रकार आदित्य सिन्हा। दुर्रानी और दुलत की बातचीत को सिन्हा ने दर्ज किया है किताब की शक्ल में हमारे सामने आई मंजुल प्रकाशन की ओर से। इस किताब में 33 चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कई मुद्दों मसलन 26/11 के हमले, कुलभूषण जाधव, ओसामा बिन लादेन और भारत पाकिस्तान के कई और मसलों पर ब्लंट टिप्पणियां मिलती हैं। शुरू करते हैं उस फोन कॉल से जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया। बात यह थी कि असद दुर्रानी के बेटे उस्मान मई 2015 में मुंबई एयरपोर्ट पर फंस गए। इसका कारण था एक तकनीकी पेचीदगी। उस्मान पिछले 15 सालों से जर्मनी में रह रहे थे लेकिन उनके पास पासपोर्ट था पाकिस्तान का। उस्मान बिजनेस के किसी काम से कोची आए थे, उन्होंने 4-5 दिनों में अपना काम पूरा किया और पाकिस्तान वापस जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट पकड़ने की सोची और यहीं से परेशानी की शुरुआत हुई। दरअसल नियम यह है कि अगर कोई इंसान पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हिंदुस्तान आया है तो उसे उसी शहर से रवाना होना होता है जहाँ के लिए उसे वीज़ा मिला है, जहाँ से आप आए वहीं से लौटेंगे। अब मुंबई हवाई अड्डे पर उस्मान से इमिग्रेशन अधिकारियों ने पूछा कि जब आपका वीज़ा केवल कोची के लिए है तो आप मुंबई में क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेजा गया। उस्मान ने मदद मांगी अपने पिता से, उन्होंने किया दिल्ली में फ़ोन, किने पाकिस्तान के तब के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और एएस दुलत को। रात को 11 बजे के करीब डिनर के वक्त दुलत के पास जनरल साहब का फोन आया। दुलत बताते हैं कि जनरल दुर्रानी कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, बेटे की बात थी। वो बेचैनी के साथ बार बार पूछ रहे थे कि बेटे के लिए मुंबई में रखना सेफ होगा या उसे कोच्ची लौट जाना चाहिए। दुलत बोले कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ये बहुत छोटी बात है, अभी आप सो जाइए। उस्मान इस बीच 3-4 घंटे किसी नौकरशाह के दफ्तर में बैठे रहे। अगले दिन जनरल ने दुलत को 6-7 बार फिर फोन किया, जैसा हमने आपको पहले बताया। दुलत ने जवाब दिया कि हमारे लड़के काम पर लगे हैं, इंशाल्लाह आपका बेटा कल शाम तक मुंबई में फ्लाइट पकड़ लेगा, आप अल्लाह में यकीन रखते हैं और मेरा भी पूरा यकीन वाहेगुरु में है, सब ठीक होगा। दुलत ने आईबी के अपने पुराने मित्र जीवन वीरकार को फोन किया क्योंकि मामला स्पेशल ब्रांच में ही अटका था। कुछ जांच पड़ताल हुई जिससे उस्मान ने टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा किया। अंत में साइबर एक्सपर्टीज, किस्मत और दुलत एंड कंपनी के मिले जुले प्रयासों से हो पाया और उस्मान वहां से छूट भी गए। सोचिए 2008 के बाद जब हमले हुए थे उसके बाद मुंबई में होना, पाकिस्तानी होना और बाप का आईएसआई का चीफ होना, कोई भी कह सकता था कि वाह क्या शानदार कैच। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि भारत में आईबी के बैकग्राउंड वाले रॉ के पूर्व चीफ ने पाकिस्तान के आईएसआई के पूर्व चीफ की मदद की इंसानियत के नाते। इसी किताब में दुलत और दुर्रानी के बीच एक और दिलचस्प बातचीत का ब्यौरा है। 26/11 के हमले को लेकर एएस दुलत कहते हैं कि उनकी थ्योरी और विश्वास है कि मुशर्रफ को इस हमले की जानकारी थी। इस पर दुर्रानी उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि उस वक्त सत्ता से बाहर थे मुशर्रफ, अगस्त सितंबर 2008 तक वो हट चुके थे। जवाब में दुलत कहते हैं, एक तर्क रखते हैं कि इसकी प्लानिंग तो पहले से ही होने लगी थी, मुशर्रफ उसमें पार्टी हो सकते हैं, उन्होंने जो पहले कहा था उस पर वो कायम है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते जब सुधरने लगते हैं तो कुछ ना कुछ होकर रहता है। हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, उस वक्त वो पाकिस्तान में नज़रबंद था। असद दुर्रानी इस नज़रबंदी को एक नाटक मानते हैं। सोचिए पूर्व आईएसआई चीफ कह रहे हैं कि नाटक चल रहा है वहाँ।
वो एक और रहस्य से भी पर्दा खोलते हैं कि अमेरिका में साल 2001 में हुए 9/11 हमलों के बाद जो जांच रिपोर्ट बनी थी उसमें से 28 पन्ने गायब हैं। वैसे ये काफी डिस्कस हो चुकी है, कई लोग ये जानते भी हैं कि कुछ पन्ने कभी पब्लिक नहीं किए गए। वो दूसरा उदाहरण टोनी ब्लेयर का देते हैं। इराक युद्ध में शामिल होने के फैसले पर चिलकॉट रिपोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उन पर लगे आरोपों को लेकर कानूनी राय अलग अलग रही। टोनी को आज तक किसी अदालत में पेश नहीं होना पड़ा है। इस किताब में अंदरूनी जानकारियों से भरा एक और चैप्टर मिलता है कुलभूषण यादव के ऊपर। दुलत कहते हैं कि जब दो मुल्कों के बीच संबंध सुधरते हैं तब जासूसी बढ़ती है। अमेरिका और इसराइल के बीच सबसे ज्यादा जासूसी तब होती है जब उनके संबंध सबसे अच्छे होते हैं। दुर्रानी इसमें एक राज खोलते हैं कि जब एक देश दूसरे देश के जासूस को पकड़ लेता है तो होता यह है कि सबसे पहले वो एक मैसेज भिजवाते हैं कि हमें पता है कि आपके पास हमारे दो आदमी हैं, अब हमारे पास भी आपका एक आदमी है, हम चाहते हैं अदला बदली हो जाए, आप अपने आदमी को ले जाइए, हमें अपना आदमी दे दीजिए। इस तरह से ये किया जाता है। दुर्रानी कहते हैं कि पाकिस्तान ने जब जाधव के बारे में ये खुलासा किया तो उसका इरादा पठानकोट के बाद आ रही हिंदुस्तानी धमकी का सामना करने का रहा होगा, कयास लगा रहे हैं। यहाँ आपको याद दिलाने के लिए बताते चलें कि कुलभूषण जाधव एक पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी हैं जिन्हें जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके से गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। आप पूछेंगे कि वो धमकी क्या थी जिसका जिक्र किया, दुलत ने भी यही सवाल पूछा। दुरानी बताते हैं कि भारत जब पठानकोट और पाकिस्तान के बीच संबंधों की तलाश कर रहा था कि क्या संबंध है, क्या पाकिस्तान के इशारे पे ये हमले हुए हैं, तो कुलभूषण जाधव को सामने लाकर पाकिस्तान यही बताना चाहता था कि आप भी बलूचिस्तान में यही कर रहे हैं। दुलत ने जब इस पर कहा कि बलूचिस्तान या चमन में या जहां कहीं से भी कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया ऑब्लिक अगवा किया गया, वहां आपको एक भी सीनियर नौसैनिक घूमता हुआ मिलेगा नहीं, आखिर वो वहां क्या कर रहे थे। बात आगे बढ़ाते हुए दुलत लिखते हैं, जासूस पकड़े जाते हैं, जरूर पकड़े जाते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता जैसा हुआ है। हम यही मानते हैं कि जाधव का पहले अपहरण किया गया और फिर उन्हें वहां लाया गया। इस पर दुर्रानी कहते हैं HMMMMMM वाला हूं, दर्शक इसके अपने अपने विवेक से मानी निकाल सकते हैं। किताबी बातों में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए किताबी बातें लिखते हैं हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। आपको इस सीरीज कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते आते एक जरूरी सूचना और है, अब आपको बता दें कि ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज, LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते AMA सेशंस भी करेंगे, आस्क मी एनीथिंग, इसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं लाइव चैट में। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में आपको दिखेगा कि क्या दिलचस्प उठापटक होती है, और मजेदार स्टिकर्स के साथ आप चैट या कमेंट करके बता भी सकते हैं अपने विचार। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना है आपको, बस जाना है ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन का बटन दबाना है। सिर्फ 59 रुपए महीने में आपको ललन टॉप मजा मिल जाएगा प्रीमियम वाला। सब्सक्राइब कीजिए अभी, देखते रहिए दी ललन टॉप।